यकीनन आपने बहुत सी मूवीज और रियल कैमरा फुटेजेस देखी होंगी कि जिसमें चोर इंतहाई चालाकी और शातरपन के साथ वारदात डालकर बच निकलते हैं। मगर दोस्तों इन मूवीज से बाहर भी एक दुनिया है और उस दुनिया में हर चोर इतना स्मार्ट नहीं होता। वॉइस डेली की आज के एपिसोड में कुछ ऐसे ही अहमक चोरों का इश्तिहार चलेगा, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर दबाइए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंच रहे। वैसे तो सियाने कहते हैं कि बुरों की सोहबत से बचो, लेकिन बाज़ुकात उनसे जान पहचान काम भी आ जाती है। जैसे कि अर्जेंटीना के ये साहब जो सुनसान सड़क पर खड़े थे और अचानक एक तरफ से बाइक पर दो डाकू वहां पर आ निकलते हैं और उस शख्स को गन पॉइंट पर सब कुछ हवाले करने का कहते हैं। मगर जो ही वो शख्स पीछे मुड़कर डाकू की तरफ देखता है तो वो तो उनका दोस्त निकल आता है। बस फिर वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी अपने दोस्त को हेलो हाय बोलकर वहां से वापस चले जाते हैं। अब ये आदमी नुकसान से तो बच निकला, लेकिन मालूम नहीं कि ये उसके लिए फखर की बात है या शर्मिंदगी की कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स डाकू हैं। आप इस बारे में क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। ये शातिर चोर नहीं जनरल स्टोर के मालिक को बातों में लगाकर उसके गल्ले से पैसे चुराने की कोशिश में थी और लगता यूं है कि दुकानदार के साथ इससे पहले भी कई मरतबा हाथ हो चुका था। तभी तो उसने गल्ले के सामने रखा कैमरा और गल्ले के अंदर चूहे पकड़ने वाला ट्रैप, और बस इसी बात से ये चोरनी बेखबर थी। जो ही उस औरत ने पैसे चुराने के लिए गल्ले में हाथ डाला तो उसे जोर का झटका जरूर लगा, लेकिन उसका प्रोफेशनलिज्म चेक कीजिए कि उसने दुकानदार पर जाहिर नहीं होने दिया और उसी तरह नॉर्मल अंदाज में कुछ देर बातें करने के बाद वहां से बिना कुछ चुराए निकल गई। ये भाई साहब अपनी जानिब से एटीएम मशीन कामयाबी से चोरी करने के बाद ले जा रहे थे, मगर आपने ऐसा गरीब और अहमक चोर जिंदगी में नहीं देखा होगा कि चोरी का माल उठाकर वो बस के जरिए ले जाना चाहता था। बेचारा घसीट घसीट कर मशीन बस के पास तो ले गया, लेकिन जो ही ऊपर चढ़ने लगा तो बस ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया और ये बेचारा अपना सा मुँह लेकर वहीं खड़ा रह गया कि ना तो उस मशीन को उठाकर वहां से भाग सकता है और ना ही अपनी चोरी का माल यूं छोड़कर वहां से जा सकता है। इस चोर की इज्जत भी बीच चौराहे लुट गई। जो घर में दाखिल होने के लिए गेट फलांगने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे इल्म नहीं था कि गेट तो ऑटोमेटिक है और जो ही वो उस पर चढ़ता है तो गेट खुलना शुरू हो जाता है। अब बेचारे की अकल ही नहीं किस्मत भी कमजोर थी कि उसकी पैंट उस गेट में फंस गई और जैसे जैसे गेट खुलता है वैसे वैसे इसकी पैंट भी फटना शुरू हो जाती है। अब ये खबर नहीं कि इतनी अकल भी इसमें थी या नहीं कि सिर्फ पैंट फटने के बाद ही इसने चोरियां करने से तौबा कर ली। दोस्तों आपने चोरों को मोर पड़ने का मुहावरा तो सुना होगा। अगस्त 2019 में वॉशिंगटन में ये मुहावरा सच साबित हो गया जब विलियम केली नामी एक शख्स स्टोर में चोरी करने के लिए आया और पार्किंग में अपना ट्रक स्टार्ट ही छोड़ गया ताकि उसे वापस भागने में आसानी हो। लेकिन विलियम जब स्टोर के अंदर जाता है तो उसी दौरान एक दूसरा चोर वहां पर आ निकलता है और ट्रक में चाबी लगी देखकर विलियम का ट्रक चुरा ले जाता है और उसके लिए छोड़ जाता है अपनी साइकिल। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, अगली बात सुनिए जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि विलियम के दिमाग में वाकई भूसा भरा हुआ था। ये चोर भाई साहब इस वारदात को रिपोर्ट करने के लिए खुद पुलिस स्टेशन चले गए और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि उसका ट्रक भी चोरी ही का था और उसी पर बैठकर वो स्टोर में चोरी करने आया था। बस पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और ये शायद दुनिया की तारीख में किसी भी वारदात का तेज तरीन अंजाम था, क्योंकि इसमें पुलिस को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चोर खुद चलकर वहां आ गया। दोस्तों आपने यकीनन इंडिया में चोर की बर्थडे सेलिब्रेशन वाली वीडियो तो देखी होगी। अब ब्राजील के इस चोर को देखिए कि जिसकी बर्थडे खुद पुलिस वालों ने सेलिब्रेट की। इस स्टूपिड चोर की बैड लक ये थी कि ब्राजील के लॉ के मुताबिक 18 साल से कम उम्र किसी भी शख्स को जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये जिस रोज पकड़ा गया उसी रोज इसकी सालगिरह थी और ये 18 बरस का हो गया। बस फिर पुलिस ने भी केक खिलाकर इसे जेल में फेंक दिया और पुलिस वालों की क्लैप से पता चल रहा है कि वो इस सिचुएशन को कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अब इन फिल्मी चोरों को कि जिन्होंने ये सोचा कि शायद इस बार में मोशन सेंसर लगे हुए हैं, तभी तो चलने की बजाय ये क्रॉल करते हुए इस बार में दाखिल हुए और इन अहमकों की ये सारी मूवमेंट सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड कर ली। इन चोरों में अकल ही की नहीं बल्कि प्लानिंग की भी कमी थी, तभी तो इस बार में से इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय टिप जार में पड़े हुए चंद डॉलर्स के। लेकिन अगर क्रॉल करते हुए चोरों पर आपको हंसी नहीं आई तो इन नमूनों को चेक कीजिए जो फर्श पर रोल करते हुए एक पिज्जा शॉप में चोरी करने के लिए दाखिल हुए। दुकान के मालिक ने शॉप पर जगह जगह कैमरे लगा रखे थे और इन कैमरास ने रिकॉर्ड किया कि किस तरह ये दरवाजा तोड़कर स्टोर में दाखिल हुए और फिर इस डर से कि कहीं शॉप के अंदर मोशन डिटेक्टर न लगे हों ये फर्श पर रोल करते हुए दुकान में पड़ी तिजोरी के पास पहुंचे। बेचारे खूब मेहनत करके जब तिजोरी तोड़ने में कामयाब हुए तो जवाब में इन्हें ठेंगा ही देखने को मिला।
दिया क्योंकि मालिक तिजोरी पहले ही खाली कर चुका था। लेकिन इन चिंदी चोरों ने इस पर भी हार न मानी बल्कि जाते जाते एक ड्रिल, स्पीकर, फ्लैशलाइट और गेम रूम में पड़े हुए कुछ टॉयज उठाकर चले गए। 2020 में इंडिया के शहर बेंगलोर में सुशांत नामी ये चोर चोरी करने की गर्ज से घर की 3 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ तो गया, लेकिन जब खिड़की के आगे मजबूत सुलाखें लगी हुई देखी तो नीचे उतरने की उसे हिम्मत न हुई और वहीं बैठकर रोने लग पड़ा कि मुझे नीचे उतारा जाए। काफी घंटे वहीं बुलंदी पर बैठने के बाद इसने सड़क पर से गुजरने वाले लोगों से मदद की रिक्वेस्ट की तो लोगों ने भी फौरी तौर पर पुलिस और फायर फाइटर्स को बुला लिया, जिन्होंने आकर सबसे पहले एक लंबी सीढ़ी लगाई, इस भाई साहब को नीचे उतारा, इसे ठंडा पानी पिलाया और फिर मजीद खातर मदारत के लिए थाने ले गए। और आप समझ ही गए होंगे कि थाने में पुलिस ने इसकी क्या खातर मदारत की होगी। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में डाकू खिड़की तोड़कर एक इंडियन ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए दाखिल तो हो गए, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें पता चल गया कि वो गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि दुकान का मालिक अपने भाइयों के साथ तलवारें लेकर उन पर पिल पड़ा। पहले तो वो डर के मारे भाग निकले, लेकिन फिर गन पॉइंट पर मालिक को दोबारा डराने की कोशिश की। इस अहमक चोर के हाथ में मौजूद एक गन बला 3-3 तेज धारी तलवारों का क्या मुकाबला करती। बस इसीलिए तो इन सभी ने अपनी जान बचाकर भागने ही में खैरियत समझी। सितंबर 2020 की एक शाम को फ्यूल स्टेशन की इस रिफ्रेशमेंट कॉर्नर पर 3 कार सवार डाकू आए और बारी बारी दुकान में घुसे। शॉप ऑनर उनकी हरकतों को फौरी तौर पर मशकूक समझते हुए कैश रूम में घुसने ही लगता है कि वो उसे पकड़ लेते हैं। अब जब वो गन पॉइंट पर उससे पैसे हवाले करने का मुतालबा कर रहे थे तो इसी दौरान तीसरा अहमक चोर एग्जिट डोर की जानिब गया और पुश करने की बजाय उसे पुल करने लगा। अब जाहिर है उल्टी डायरेक्शन में जोर लगाने पर जब दरवाजा ना खुला तो वो यूं समझा कि मालिक ने शायद दरवाजा लॉक कर दिया है। घबराकर उसने दूसरे चोर को मदद के लिए बुलाया तो इसी दौरान दुकान के मालिक को एक मौका मिल गया कि वो खुद को अपने रूम में बंद करके महफूज कर ले। और फिर मालिक ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए एग्जिट डोर सचमुच लॉक कर दिया। अब इन डाकुओं का सारा फोकस लूटने की बजाय भागने पर हो गया, इसीलिए कार में बैठे हुए इनके साथी ने टक्कर मारकर इस दरवाजे को तोड़ा और ये लोग बिना कुछ लूटे वहाँ से भाग निकले। दोस्तों, वेस्ट में अक्सर फ्रीजर और वेंडिंग मशीन्स बाहर ही पड़ी होती हैं और लोग उनसे चीजें चुराने की कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन ये अहमक चोर कुछ इस अंदाज में वेंडिंग मशीन में से चीजें चुराने लगा कि पूरी मशीन ही अपने ऊपर गिराकर 14 तवक रोशन करवा लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस लेजेंड को देखिए कि जिसकी अकल के साथ साथ नजर भी शायद कमजोर थी। ये भाई साहब पूरा जोर लगाकर खिड़की खोल रहे थे मगर इन्हें दूसरी जाने खुला हुआ रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और जब पूरी कोशिश करने के बाद खिड़की खोलकर अंदर घुसने में कामयाब हुए तब भी इन्हें पता चला कि ये कौन सा सस्ता नशा कर रहे थे, क्योंकि वो घर की नहीं बल्कि गैराज की खिड़की थी और वहां से उन्हें सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।